जिला प्रशासन चंबा सार्वजनिक स्थलों व कार्यालय में भीड़ कम करने के उद्देश्य से सक्रिय भूमिका निर्वाह करता नजर आ रहा है, जिसके चलते जिला प्रशासन द्वारा उपायुक्त कार्यालय चंबा के मुख्य द्वार को बंद करने सहित उस पर सख्त पहरा बैठा दिया है। हालांकि इस दिशा में एकल व्यक्ति व जरूरी कार्य के लिए आने वाले व्यक्तियों के लिए छूट जरूर रखी है, मगर कोई भी प्रतिनिधि मंडल या फिर आंदोलनकारियों के लिए कड़े दिशा निर्देश देते हुए उन्हें मुख्य द्वार पर ही रोकने सहित सोशल डिस्टेंसिंग व्यवस्था को कायम रखने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। जैसा हम सभी जानते हैं कि जो कोविड का संक्रमण है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ये संक्रमण चंबा जिला में भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और मुझे लगता है कि हमें सभी को कुछ समय के लिए संयम बरतने की जरूरत है और अनावश्यक जो हम चाहे मार्केट में जाते हैं चाहे दफ्तरों में जाते हैं उससे बचना चाहिए। और हमने एक डीएम एक्ट में आज एक आदेश भी जारी किया है कि लोग जो हैं जो सरकार की सेवाएं हैं उनको डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है चाहे हमारा ई डिस्ट्रिक्ट है या चाहे दूसरे प्लेटफॉर्म है उनका प्रयोग करें। और उसके अलावा अगर आपको कोई शिकायत वगैरह दर्ज करानी है तो उसको ईमेल के माध्यम से भी हमें भेज सकते हैं, उसको हम प्रायोरिटी पे देखेंगे। और इस तरह की व्यवस्था हमने लागू कर दी है और किसी की बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन है तो उसकी एप्लीकेशन लेने का व्यवस्था भी हमने अपने ऑफिस के बाहर रखी है। और कोई बहुत ही आवश्यक अगर किसी को मिलना है तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं मिल सकता, वो मिल सकता है दफ्तर में और उनके जो भी काम होंगे और जो भी उनके समस्याएं होंगी उसका निष्पादन के लिए प्रशासन जो है वो बिल्कुल तत्परता से काम करेगा। हिमाचल प्रदेश और चंबा जिला से जुड़ी विभिन्न जानकारियों को जानने के लिए देखते रहिए चंबा हलचल का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज और वीडियो को जरूर लाइक करें। धन्यवाद। देखते रहिए चंबा हलचल।